चार पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। देशभक्ति कोई जरूरी नहीं है कि किसी अमीर के घर में हो या गरीब के घर में। आप इतिहास को देखना, वर्तमान सेनाओं को भी देखना, सर्वाधिक बेटे या तो किसी किसान के हैं या मजदूर के हैं या किसी मध्यम परिवार के हैं। अरे जिनके बड़े सपने हैं, जो बड़े परिवारों के धनक लोग हैं, उनके तो बड़े सपने, वो क्या देशभक्ति को जाने। वो सिर्फ इनका अपमान कर सकते हैं या उसकी कीमत अदा करने के लिए वो अपने आप को आगे ला सकते हैं, जबकि कीमत अदा कर नहीं सकता। को मैं पहले पढ़ चुका हूँ, चार पंक्ति देना चाहता हूँ। स्वागत कि देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में चार दीवारी में, देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में चार दीवारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में। भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। भारतीय सेना में 10 या 20 पद निकलते हैं, लेकिन हजारों बेटे फॉर्म भरते हैं, हजारों बेटे एग्जाम देते हैं, हजारों बेटे दौड़ लगाते हैं। कुछ बेटे जो सौभाग्यशाली होते हैं, उनका नफ्स में काम आता है। ऐसा नहीं है उनके घर पर रोटियां नहीं है, ऐसा नहीं उनके घर पर छत नहीं है, सब कुछ है साहब, लेकिन जो युवा इस देश के दुश्मन को धूल चटाना चाहता है, देश की मिट्टी की रक्षा करके मादरे वतन का कर्ज चुकाना चाहता है, वह हर बेटा भारत माता की सेना में या भारत के अन्य सेना के जितने भी अंग हैं उनमें जाने के लिए आतुर रहता है। चार पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। राजेंद्र भाई, हम कोई भी काम करने से पहले लाभ हानि तलाशते हैं, ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। उन बेटों ने कभी लेखा जोखा नहीं रखा होगा कि देश के लिए हम जाएंगे हमें क्या मिलेगा। उन दोनों भाइयों को और वो जो हुए हैं मेरे पिताजी की उम्र के, मेरे बड़े भाई की उम्र के हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि हमारे परिवार का क्या होगा, इन नन्ही सी बेटियों का क्या होगा, कभी नहीं सोचा होगा। सिर्फ उन्होंने सोचा कि मेरा देश आबाद रहे, आजादी सुरक्षित होनी चाहिए, ये सोचकर सरहद पर चले गए। चार पंक्ति और पढ़ना चाहता हूं जी, कि सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं। क्या बात है भाई, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं। सिर पर कफन बांध लेते जोखिम गिर के आह्वानों पर, सिर पर कफन बांध लेते जोखिम गिर के आह्वानों पर, हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, भारत माई लाती है उन बेटों के बलिदानों पर। लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं रखते कुछ खाने और कुछ पाने को। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही अंतिम चरण की ओर चलता हूँ। चार पंक्तियां और देना चाहता हूँ, इसके बाद दुष्ट राजनीति में गाली देकर अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। ये पीढ़ी सामने बैठी है, इनके दिलों में हजारों सपने होंगे, किसी के स्वप्न देश के लिए होंगे, किसी को अर्थ बल मजबूत करने के लिए होंगे, और किसी के दिल में श्रृंगारिक रस पनप रहा होगा। सपना किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसके यौवन के संपूर्ण सपने मादर वतन पर समर्पित है। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, अभिनंदन अभिनंदन, कि देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में। क्या बात है, राष्ट्रवादी भैया सुनना, अभिनंदन। देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में। न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, प्राण गंवा कर खुशियाँ दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियाँ दे जाते गैरों को अपनों को। जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जीवन लक्ष्य नहीं होता है केवल खाने सोने को। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक।
बोने को, वे बेटे की जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे की जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। अंतिम चार पंक्तियां उस राजनीति को गाली देना चाहता। स्वागतम स्वागतम। हमारे कुछ नेता ये कहते हैं, ये सरकार आई, प्रणाम करता हूं जिन्होंने सैनिकों को खुली छूट दी, इतना सम्मान मिल रहा है। पहले कुछ यूपी के कुछ नेताओं ने यह कहा कि इनको सरहद पर जाने के लिए मरने का पैसा मिलता है, पेट्रोल दिया जाता है, पेट्रोल पंप दिए जाते हैं, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि तुम जाके देख लो, तुम्हें भी मिल जाएगा। चार पंक्ति पढ़ रहा हूं, उससे कड़वी पंक्ति नहीं हो सकती राजनीति के लिए। कि कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, भाई प्रमोद जी सुना काफी दिन बाद सामने, कोई कहता से उनकी भाषा, पहली चार पंक्ति मेरी नहीं है, मेरी भाषा इतनी हो भी नहीं सकती। अंतिम दो पंक्तियां उनको जवाब में मेरी पंक्तियां हैं, पहली चार पंक्तियां वो है जो बोला करते हैं। क्या बात है, स्वागत। कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, जो धोबी का हो जाता है वो सेना में जाता है, जो धोबी का हो जाता है वो सेना में जाता है। मेरी जवाब, धोबी का हो जाता है वो सेना में जाता है। अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो। अरे गाली देने वालों सीने में गोली खा कर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खा कर देखो, गाली देने वालों। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।